हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SHM कॉइन कलेक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के कॉइन के बारे में। दोस्तों, इस तरह के सिक्कों को पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है और दोस्तों ये हमारे देश के शुरुआती दिनों के सिक्के माने जाते हैं। दोस्तों, इन सिक्कों के बारे में हमारे देश के इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के 5वीं ईसा पूर्वी से लेकर 1ली सदी तक हमारे देश में सिक्कों के तौर पर चलन पर थे। दोस्तों, इन पंचमार्क कॉइन्स का कोई निर्धारित शेप या साइज़ नहीं रहता दोस्तों, लेकिन हाँ दोस्तों, इनका जो वज़न रहता है वो पहले फिक्स किया जाता है और इनका धातु, जैसे कि इन सिक्कों का वज़न तकरीबन 3 से 11 ग्राम के बीच में होता है और अक्सर ये सिक्के सिल्वर में ही ढाले जाते हैं, यानी कि चांदी में ही पाए गए, ज़्यादातर चांदी में ही ये सिक्के बने हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस तरह के सिक्कों पर अलग अलग तरह के निशान छापे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस सिक्के पर सामने एक मोर बना हुआ दिख रहा है और इसके साथ साथ ही एक सूरज, एक फूल, पौधा, एक बैल और त्रिशूल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह के सिक्कों को दोस्तों पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह के पंचमार्क कॉइन्स को हमारे देश के इतिहासकारों ने 2 शाखाओं में बांटा हुआ है। पहली शाखा जो है, जिसके अंदर जनपद दौर के सिक्कों को शामिल किया गया है, और जो दूसरी शाखा है उसमें मौर्यन साम्राज्य के सिक्कों को शामिल किया गया है। इन दोनों ही शाखाओं के अंदर इस तरह के पंचमार्क कॉइन्स की छपाई हुई थी। दोस्तों, आगे भविष्य में मैं इन सिक्कों की अलग अलग शाखाओं से जारी होने वाले सिक्कों पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का ये वीडियो दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो था जिसके अंदर पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस तरह के सिक्कों की कीमत पर। दोस्तों, इस तरह के सिक्के 150-200 रुपये से लेकर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक में भी बिकते हैं, लेकिन दोस्तों वो निर्भर करता है कि उस सिक्के पर किस तरह की छपाई की गई है या किस तरह का निशान है। अब ये जो आप अभी सामने जो लॉट देख रहे हैं, ये सिक्कों का जो लॉट अभी आप देख रहे हैं, वो तो सारे कॉमन निशान वाले सिक्के हैं, यानी कि उस दौर के कॉमन सिक्के। और आज के दौर में ये सिक्के कलेक्टर्स और डीलर्स के पास काफ़ी मात्रा में है, इस वजह से अगर इस तरह के सिक्के आप ख़रीदने वाले जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, तो उसकी कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है। मैंने खुद ये सिक्के 150 से 200 रुपये में ख़रीदे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो 300-350 तक में भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, उससे ज़्यादा कीमत में आपको नहीं ख़रीदने चाहिए ऐसे सिक्के। ये 3 ग्राम के सिक्के हैं, प्योर चांदी के, 300-350 में आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।